Hello guys, welcome back to our channel, that is Edu Shower. So guys, today I want to discuss with you one very simple way how to remember all the articles of Indian Constitution. We find very tough to remember all the parts, means which carries all the articles. So let us start our video. I hope that it will be a very beneficial for you. So start karte aaj ka video. So altogether there are 448 articles, okay? There are 448 articles, and these 448 articles can be found in 25 parts. There are 25 parts, और ये 25 parts में से हमें 12 parts को अगर हम याद रखेंगे, यही 12 parts important होता है जहां से सवाल पूछे जाते हैं. तो बस ये 12 part अगर हम याद रख लें तो काफी हमारा मदद हो जाएगा, ठीक है ना. तो मैं 12 parts कैसे याद रखें और ये 12 parts में क्या क्या articles के बारे में होंगे, ठीक है, टॉपिक क्या होगा वो मैं आज आपको बता दूंगा. एक सेंटेंस आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, जिस सेंटेंस आपको ये 12 पार्ट्स याद रखने में मदद करेगा. तो सेंटेंस क्या है आइए जान लेते हैं. तो सेंटेंस ऐसा है कि यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम उत्तराखंड स्टेट बाय की जगह मैं अभी यूजिंग, ओके, यूजिंग पैराशूट्स मेंटेनिंग स्पेशल रूल्स और सोच लीजिए रेगुलेशंस, ओके. सो विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस यू कैन फ्लाई, यहां पे देखिए एक एक वर्ड का मैंने जो पहला वाला अक्षर है वो मैंने कैपिटल लिखा है, सब कैपिटल होगा एक्चुअली, किसी किसी में यहां पे सब पहला वर्ड आप कैपिटल लिखे तो आपको याद रखने में आसानी होगा. एक एक वर्ड का पहला जो वो होगा वो आप कैपिटल लिखिए, ठीक है. तो देखिए, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम उत्तराखंड स्टेट यूजिंग पैराशूट मेंटेनिंग स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके. इस सेंटेंस से आपको 12 जो पार्ट्स है और जिसका आर्टिकल्स क्या क्या गिरेंगे, 12 पार्ट्स क्या क्या है वो आपको पता चल जाएगा. कैसे देख लेते हैं. यू, यहाँ पे यू में से जो जो पार्ट है 12 वो कैसे होगा. यू होगा आपका पार्ट वन, ठीक है, पार्ट वन में आएगा. ये वाला आपका होगा पार्ट टू, 12 पार्ट का डिसाइड कर रहा हूं तो पार्ट टू, ये पार्ट थ्री, पार्ट फोर, फ्रॉम भी आएगा, पार्ट फोर है, ये हो जाएगा पार्ट फाइव, ये आपका सिक्स, ये होगा एट, पार्ट एट, एंड दिस वन विल बी नाइन, एंड दिस वन विल बी नाइन ए, और ये हो जाएगा आपका टेन, ये इलेवन और ये ट्वेल्व, ओके. सो यू सी दीज आर द 12 पार्ट्स, ओके. सो ये पार्ट क्या डिनोट करता है, यहाँ पे जो यू है ये यू यहाँ पे हो जाएगा आपका यूनियन, यू से हो जाएगा आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है. और सी, सी से क्या हो जाता है, सी से हो जाएगा आपका सिटीजनशिप, ओके. मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सी से हो जाएगा सिटीजनशिप. तो पार्ट टू से, पार्ट वन आपका यूनियन एंड यूनियन टेरिटरीज बताएगा, सी आपका बारे बताएगा सिटीजनशिप, और ये एफ, यहाँ पे जो एफ है, एफ से हो जाएगा आपका फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है. पार्ट थ्री हो गया फंडामेंटल राइट्स, एंड पार्ट फोर, पार्ट फोर का ये अक्षर क्या है, डायरेक्टली, डायरेक्टली का पहला वर्ड हो गया डी, डी से हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ओके. एंड नेक्स्ट वर्ड फ्रॉम, फ्रॉम का जो एफ है ये हो जाएगा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके. नेक्स्ट उत्तराखंड, उत्तराखंड का जो यू वर्ड है उससे क्या हो जाएगा, उससे हो जाएगा आपका यूनियन, ठीक है, यू से हो जाएगा आपका यूनियन, यहां पे एस, इस एस से हो जाएगा आपका स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स. यहां पे जो यूजिंग है, यूजिंग का यू हो जाएगा आपका यूनियन टेरिटरीज,
ये है यूनियन एंड डीड्स टेरिटरीज, यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ आएगा यूनियन टेरिटरीज। ओके नेक्स्ट हो गया पैराशूट, तो यहाँ पे जो पी है इस पी से हो जाएगा आपका पंचायत। ओके पंचायत, और यहाँ पे जो मेंटेनिंग है मेंटेनिंग का एम से हो जाएगा, यहाँ पे जो मेंटेनिंग है मेंटेनिंग का एम वर्ड से हो जाएगा आपका म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज। ओके एंड स्पेशल का एस जो वर्ड है इस एस से हो जाएगा आपका शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, ठीक है शेड्यूल, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, ठीक है नहीं, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स से जो भी आर्टिकल्स बनेंगे सब यहां पे आ जाएंगे। और यहां पे जो होगा आपका रूल्स, रूल्स का जो आर है इससे बन जाएगा आपका रिलेशंस विथ अदर स्टेट, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन स्टेट्स। ओके सो दिस इज अ सेंटेंस एंड दीज आर द वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू विल बी एबल टू डिनोट द 12 पार्ट्स एंड द दोस 12 पार्ट्स दे विल कंटेन आर्टिकल्स ऑफ व्हाट टॉपिक यू विल गेट टू नो। ओके यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम उत्तराखंड स्टेट्स यूजिंग पैराशूट्स मेंटेनिंग स्पेशल रूल्स और रेगुलेशंस। ओके सो पार्ट 1, 2, 3, 4, 4A, 5 इसे पता था, एक एक वर्ड को आप पार्ट दे दीजिए 12 पार्ट हो जाएगा। और ये सब वर्ड का जो पहला जो अक्षर होगा वो कैपिटल में लिखिए और कैपिटल वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या वर्ड। सो यू सी पार्ट 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6 एंड इट विल बी 8 क्योंकि 7 को रिमूव किया गया 1976 अमेंडमेंट एक्ट में, जो आपका पार्ट 7 उसको रिमूव किया गया है। और ये 9 तो ये हो गया 9A एंड दिस वन इज 10, 11। गाइस एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैंने 12 लिखा है, ये मेरा गलती हुआ है, यहाँ पे 12 नहीं होगा, एक्चुअली 12 पार्ट्स है, आप गिन लीजिए, यू कैन फ्लाई, यहाँ पे 12 वर्ड्स है, ठीक है ना, इसलिए 12 पार्ट्स हम याद कर लेंगे। पर नंबरिंग के हिसाब से यहाँ पे एक दो नंबर यूज हो रहा है, जैसे 4 के जगह 4 है, फिर 4A है, फिर 9A, फिर 9A है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 वर्ड है, तो इसलिए मैंने 12 पार्ट्स बोल रहा हूँ, ठीक है ना, पर ये 11 पार्ट वाला ही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, आपको याद रखने के लिए आपको फ्यूचर में आपका काम आ जाएगा। तो ये अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो फिर मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कैसा हुआ। और मेरा एक पेज है फेसबुक में जिसका नाम है एडुजेनेसिस पोर्टल, ठीक है, उसे भी जाके एक बार देख लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, और ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। थैंक यू वेरी मच।